देवर जी कहते हैं, सरकार आप यहाँ क्यों आए हो? राम जी ने कहा, क्योंकि हमें पार होना है। लक्ष्मण जी ने कहा, पार नहीं होना होता तो कहा तुमसे बतियाने आते हम इतनी देर, पार होना है। लक्ष्मण जी से केवट जी ने कहा, हमहू को पार ही होना है, दोनों का एक ही है रास्ता, बस आप मेरी एक बात मान लो, आपको पार कर दूं। राम जी मौन। केवट जी ने कहा, चरण नहीं धुलाना तो एक दूसरा रास्ता और है। लक्ष्मण जी ने कहा, दूसरा वाला बताओ। बोला, यही घाट ते थोड़ी दूर है कटिलो जल था, दिखाई हो जू, इस घाट से थोड़ी दूर एक और घाट है, वहाँ पे गंगा मैया का जल कम है, वहाँ से पैदल पार किया जा सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत सुंदर, चलो लेके। केवट जी ने कहा, वही ना राती में हमका बेवकूफ है, आपको शॉर्टकट दिखा दे तो कौन पैसेंजर हमारी नाव में बैठेगा, सब शॉर्टकट नहीं पार हो लेंगे, रात तक इंतजार करिए, रात को पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हो गए पार। राम जी की ओर बार बार केवट जी देखकर कहते हैं, कुछ तो बोलो सरकार। अच्छा, आप यही सोच रहे हो कि केवट उतारेगा तो उतरा ही लेगा, कुछ लेकर आया नहीं हूँ तो क्या दूंगा केवट को। अरे अरे चिंता नहीं करो, आप भी क्या याद रखोगे, पद कमल धोई चढ़ाई नाम ननाथ उतराई चहो, आपको पार करूंगा उतराई नहीं लूंगा। राम जी चुप। अब केवट जी कहते, अच्छा हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा, और जब आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करता तो आप क्या करते हैं? कसम खा के कह रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब जिसकी माई की, बाप की, भैया की, दादा की, जो आपका अपना होगा वही की खाओगे ना, कि पड़ोसी के बाबूजी की कसम खाओगे? केवट जी अपने पिताजी की, अपने बाबूजी की कसम नहीं खा रहे, कह रहे हैं, मोही राम राव रे आनी दशरथ शपथ सब सांची कहूं, आपके बाबूजी की सौगंध लेकर कहता हूँ, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, यकीन करिए। लक्ष्मण जी ने तीर की तरफ हाथ बढ़ाया, हमने अपने पिता की सौगंध आज तक नहीं ली, ये गंगा घाट का केवट हमारे पिता की सौगंध लेता है। केवट जी ने कहा, अच्छा अच्छा ये छुटके वाले मारना चाह रहे, अच्छा ठीक है। अब आप सोचो, मृत्यु सामने खड़ी है, केवट जी कह रहे हैं, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिना पाए पखारी हो, तब लगिना तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। कुछ भी हो जाए, आज लक्ष्मण भैया मुझे मार दें तो मार दें, पर मैं बिना धोए पार करने वाला नहीं हूँ, मार दोगे तो बढ़िया रहेगा, मारो मारो जल्दी मारो सरकार, देर ना करो हम इंतजार कर रहे हैं। अब आप बताओ, आप किसी के ऊपर हाथ ऐसे बार उठाओ तब तक वो कहे मारो और मारो और मारो, मार पाएंगे? अब केवट जी ने कहा, जल्दी मारिए, जल्दी जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं, मर जाऊंगा तो बड़ा आनंद आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, मरने में कौन सा आनंद होता है? बोला, है ना। केवट जी कहते हैं, सरकार हमने अपने बाप दादा से सुना है, मरने से पहले इंसान के मुंह में दो बूंद गंगा जल डाल दो तो वो स्वर्ग चला जाता है। अब आप सोचो, आप मुझे गंगा के घाट पे मार रहे हो, और सरकार कौन सा आपके बाण लगते ही मैं पट्ट से मर ही जाऊंगा, दो चार मिनट जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? जैसे आप बाण छोड़ोगे मैं भी इधर कूदूंगा गंगा जी में, दो बूंद की कौन कहे लीटर भर से कम नहीं पीऊंगा, जब तक मर ही नहीं जाता तब तक पीऊंगा और मर जाऊंगा। और दूसरा फायदा, लोग कहते हैं राम राम कह के मरो तो उद्धार हो जाता है, हम राम का कहें हमारे तो समन्वय राम खड़े हैं, तो नाम की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा फायदा, मर जाएंगे तो भगवान अंतिम संस्कार किए बिना थोड़ी ना जाएंगे, अब सोचो कितना फायदा है। मरूंगा हाथ से किसके की जो रघुवर का प्यारा है, अरे मेरे प्यारे को जो प्यारा है उसके हाथ से मरूंगा, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ, अगर इस पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। केवट जी ने कहा, अगर आज मैं मर गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने बाण धीरे से डाला कर्कश में, बोला आप ही बात करो, अब तो हम इससे बोलबे नहीं करेंगे।
की ओर देख रहे, बताओ सरकार का करे। अब अंत में राघव जी ने कहा, ठीक है भैया, सोई करो जे ही तब नाव ना जाई, वही करो जिससे तुम्हारी नैया ना जाए। केवट ने कहा, सरकार गोल गोल नहीं सीधी बात करो, गोल गोल बात समझते तो हम भी आज कहीं और होते। हमको दिक्कत नहीं है, ये जो भगत की भीड़ है यही 5 बजे के बाद खाली होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप लोग कितनी देर अभी और बैठ सकते हैं? हैं? अच्छा 20 मिनट कौन कौन बैठ सकता? हाथ ऊपर करिए। हाँ हो, सभी बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हमें का समस्या, हमारा तो पीछे में कमरा है। केवट जी ने कहा, सरकार आप मुझे सीधा बताओ कि मुझे क्या करना है। हो पग धो लेन दियो रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी, जन्म जन्म की नाव पुरानी, मेरे मन की तुमने जानी, अरे आ गए गंगा के तीर, नैया मोरी मैली पड़ी। 20 मिनट में भाग लिए। भैया से बोला, हमें आपत्ति नहीं है। केवट जी ने कहा, सरकार आप बताओ मैं क्या करूं। अंत में राघव जी ने सीधे शब्दों में कहा, बेगिया जल पाय पखार, जल्दी से जल लेके आओ और चरण धो लो। केवट जी ने कहा, क्या कहा सरकार, फिर से बोलिए। राघव जी ने कहा, जल्दी से जल लाओ भैया, चरण पखारो। केवट जी अभी तक क्या चाह रहे थे? चरण पखारना ही तो चाह रहे थे कि चरण धोलू, चरणामृत मिल जाए। अब भगवान कह रहे हैं लो पखार लो, तो अब केवट जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलिए हाँ ना बोलिए। केवट जी गए नहीं, बैठ गए, वहीं बैठ गए भूमि पे। लक्ष्मण जी ने कहा, 3 घंटा से चिल्ला रहा था धोना है, अब क्यों नहीं जा रहे? भैया ने कहा तो धो लो, जाओ जल्दी लेके आओ, जल्द धो लो। केवट जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, अगर धोने को कहते तब तो अकेले धो लेते, अब आपके भैया ने कहा है पखार लो, और पखारने का शुभ काम तो पत्नी के साथ गठजोड़ करा के किया जाता है, और पत्नी हमारी घरे बैठी है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपने काहे को बोला पखार लो, आपको कहना था भैया धो लो, इतना भारी भरकम शब्द आपने बोला क्यों? राम जी ने कहा, यही तो 3 घंटा से कह रहा था प्रभु, पखारी हो पखारी हो पखारी हो, तो हमहू ने कह दिया ले पखार ले, हमें क्या पता था ये कौन से शब्द का क्या अर्थ निकालता है। केवट जी ने कहा, तो सरकार अब आज्ञा दो, जाऊं पत्नी को बुला लाऊं। लक्ष्मण जी ने कहा, इतने देर से हम खड़े हैं, अब खबरदार अगर खड़े होके गए ना तो तब नहीं मारे थे, अब पट्ट से मारेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। अब केवट बेटे, सरकार आज्ञा दे दो। अब राम जी का करे, बीच में ना जाओ कह सकते हैं, ना जाओ कह सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बहुत इसकी सुन ली, अब मत मानिएगा इसकी एक भी बात। राम जी ने कहा, हाँ हाँ सही बात है, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। अब केवट जी बेचारे बैठे हाथ जोड़ के, सरकार एक बार एक चले। अब राम जी ने कहा, नहीं कुछ किया, का किया? लक्ष्मण जी की निगाह हटी और राम जी ने केवट की ओर देखा, कहा ये लिखा है कवितावली में, गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे प्रभु रूख पाई के बुलाई बालक घरी,
क्या किया आप बताइए। इशारा धीरे से आंखों से कहा निकल लो। इशारा मिला केवट भागे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाग गया, बिना बताए भाग गया। राम जी ने कहा जैसे 3 घंटा वैसे 3.5 घंटा और खड़े हो जाएंगे। अब केवट जी जल्दी जल्दी घर पहुंचे। चुनवा मुनवा जल्दी आ रे, जल्दी 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 जल्दी। कहा हुआ बाबू जी? अरे भगवान आए हैं, भगवान यहाँ गंगा किनारे। अरे हाँ भगवान। छोट छोट लड़का भागे जोर से भगवान भगवान करते। केवट ने कहा पहले हरी आओ, नहीं हरी चले जाओगे। दूठो हैं एक गोरख का एक समर का। गोरख के पास मत जाना, पट्टी मारेगा सीधा सिधार जाओगे। समर के पास जाना, वो बहुत सीधे हैं, कछु बोलते बोलते नहीं हैं। गोरे वाले से उचित दूरी बना के रखना। अच्छा और बाबूजी का करना है? सुनो, तुम सब जाना भगवान को प्रणाम करना और चारों तरफ से घेर के बैठ जाना। पत्नी ने कहा घेरा बंदी की क्या जरूरत है? बोला 3 घंटा हो गए खड़ा किए किए, 1.5 घंटा और करना है। हमें डर है बिचुआ में भगवान उठ के चले गए तो घेर के खड़े रहना। अब अच्छा ठीक है। अब केवट जी से पत्नी ने कहा पात्र लेके आऊं चरण धोने के लिए? बोला तुम मतलब हम निकालते हैं। केवट जी विचार करने लगे क्या लेके जाऊं, तो याद आया छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। कठौता, कठौता पुल्लिंग है, कठौती स्त्रीलिंग है, यानी कि इसमें भी मेल और फीमेल दोनों हैं। केवट जी सोच रहे अगर मैं कठौती लेके गया तो का पता स्त्री बन जाए तो खर्चा बढ़ेगा। अगर मैं कठौता लेके गया कहीं ये लड़का बन गया तो ई कल से नाव चलाएगा, हम हिसाब मांगेंगे, तो हमारा तो आराम ही आराम कठौता लेके। और दूसरा क्या है केवट जी का विचार, ये जो कठौता है ये भी लकड़ी, हमारी नैया भी लकड़ी, पहले इस पे एक छोटा सा ट्रायल ले ले, अगर ई कुछ नहीं बनी तो उस पे बिठाएंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। केवट जी आए, गंगा माँ का जल भरा, चरणों तक लेके आए। आज जैसे ही चरण पखारना शुरू किया, अच्छा बच्चों से कहा है घेर लेना, सारे बच्चे घेर के बैठ गए। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा भैया ये का हो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा हमको का पता, आप एक और धुलाइए चरण, अब तो घेरा बंदी भी शुरू हो गई, अब जो जो कहेगा करना ही पड़ेगा। केवट जी ने चरण धोना शुरू किया, गंगा माँ इतनी प्रसन्न हो गई, अरे केवट जी आज आप ब्रह्मा जी और शंकर जी से भी ज्यादा मुझे प्यारे लग रहे हो। एक ब्रह्मा जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के चरण से दूर करके कमंडल में रखा, एक शंकर जी जिन्होंने भी भगवान के चरण से दूर जटाओं में रखा। धन्य है आप, आज आपने मुझे पुनः उसी चरण से जोड़ दिया, आपकी मैं रीढ़ी रहूंगी। चरण धो रहे हैं केवट जी। अच्छा कठौता कैसा है, छोटा सा है कि बड़ा सा? छोटा सा मतलब एक बार में एक ही पैर आ सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा जोन के छोटा लाया है। केवट जी ने कहा महाराज छोटके आदमी का घर छोटा, द्वार छोटा, लड़का बच्चा छोटे तो समन्वय तो छोटा ही होगा, कहाँ से बड़का लाएंगे। अब राम जी एक पांव एक बार में धुल रहा है। अब जैसे धुला केवट जी से, अब सोचो ऐसे भगत लाख हैं जो भगवान के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं, ये ऐसे भगत जी हैं जिनके लिए भगवान एक पैर पे खड़े हैं 3 घंटे से। अब एक पांव पे खड़े भगवान, केवट जी से कहा भैया हो गया? केवट जी ने कहा हाँ लग तो रहा है हो गया। तब तक केवट जी ने हाँ बोला था, राम जी ने चरण नीचे धर दिया। केवट जी ने दूसरा धोना शुरू किया, तब तक कहा हो गया ना? और लक्ष्मण जी ने कहा दोनों हो गया, दोनों हो गया। कहा कहाँ दोनों हो गया? जो पहले धोया था उसमें आधा किलो धूल गीला था, पैर फिर चिपक गया है, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा मतलब 14 बरस खाली भैया को घोड़वे धोवाना है, अब रेत है गीला रहेगा चरण तो धूल तो चिपकेगी ही। केवट ने कहा नहीं चिपकेगी, मैं अपनी ये फटी सी गमछी बिछाऊंगा ना, नहीं चिपकेगी, फिर से धोऊंगा।
अब राम जी का फिर से चरण धोना शुरू। अब वहां ना कोई पेड़ है ना खंभा है कि राम जी सहारा ले ले। एक पांव पे खड़े खड़े कितना खड़े होंगे, राम जी डगमगाने लगे। राम जी ने कहा भैया अब हमसे एक पैर पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। केवट जी ने कहा सरकार हिलोगे तो हम भी नहीं धो पाएंगे ठीक से, इतनी महीन महीन रेखाएं हैं, रेखन में जड़े कड़े आते देखी देखी धोऊं, आप एक पग पे खड़े याते ना कीजिए, चाहो अवलंब तो विनीत जो विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पे हाथ धर। केवट जी ने कहा ऐसा करो हमारे सिर पे अपना हाथ रख लो, आपको सहारा मिल जाएगा। एक पैसे का एहसान ये भक्त नहीं ले रहे भगवान का कि आपकी कृपा होगी सिर पे हाथ ना, आप धरो आपको सहारा चाहिए तो सिर पे हाथ रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब केवट जी के सिर पे राम जी ने हाथ धर दिया, ऊपर से देवता टुकुर टुकुर निहार रहे, फालतू में घाटे में आ गए देवता बन के, कुछ नहीं पाया, अमृत भर भी मिला और बाकी सब घाटा। इससे बढ़िया तो ये केवट बन गए होते जिसके हाथों में आज भगवान के चरण हैं और जिसके सिर पे भगवान का हाथ है, इससे बड़ भागी आज कौन है। केवट जी चरण धो रहे आनंद से भरे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा वाह रे केवट जी बड़े भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट जी ने कहा हम भाव के लिए नहीं, हम अपनी नाव के लिए चरण धो रहे हैं, भाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से कह रहे हैं पर मन में तो वही आनंद चल रहा है। चरण धोया, जो चरणामृत निकला एक बार में केवट जी ने उठाया और पूरा पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा चलो भैया चरण कम से कम आज धुल गया, मतलब आज हम पार हो जाएंगे, चलो भैया अब लेके चलो पार करो। केवट जी ने कहा कहाँ चलो कहाँ, बोला अरे चरण धो लिया अब चलना नहीं है, बोला अच्छा तो चरणामृत, बोला मिला तो चरणामृत, बोला हमको मिला ना, हम आज चुनुआ मुनुआ खड़े इनको, ये बेचारे टुकुर टुकुर निहार रहे भी हम रहे हैं, मुंह छोटका खोल के खड़ा है, उसको भी तो चरणामृत चाहिए, एक बार और धोऊंगा। दुबारा धुलना शुरू किया, लक्ष्मण जी सह भर रहे हैं किसी तरह क्रोध पी के, दुबारा चरण धोया, छोटे छोटे बच्चों के मुख को खोल के केवट जी ने अपने हाथों से चरणामृत पिलाया। इसके बाद अब लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया ना, घर परिवार मेहरारू लईका बचवा सब बिठाओ, अब नैया में बिठाओ। केवट जी ने कहाँ बिठाओ, आप तो गौआ छोड़ के चले जाओगे, हमको तो इसी गांव में रहना है, गौआ वाले मार डालेंगे कि हमको चरणामृत नहीं मिला, इनके लिए एक बार और धोऊंगा। तीसरी बार चरण धुलाई हो रही है, अब चरण धोया, गांव वाले हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। केवट ने कहा सबको मिलेगा, लाइन लगा के खड़े हो जाओ। और चरणामृत बांटते बांटते आधा किलोमीटर आगे निकल गए केवट जी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारी बतिया मानो तो कुटिया ही पार डाल ले रहे हैं, 14 बरस यहीं बिताते हैं, पार तो नहीं करेगा। राम जी ने कहा आएगा आएगा, चिंता मत करो आएगा। अब केवट जी चरणामृत बांट के आए, अब तो लक्ष्मण जी क्रोध से तमतमा, अब तुरंत पार ले चलो केवट जी वरना आप ठीक नहीं होगा। केवट जी ने सोचा तब नहीं मारे थे अब जरूर मार देंगे। केवट जी ने राम जी से कहा आपसे थोड़ा सा एक बात छोटी सी। क्या बात है, बोला सरकार एक बार और धोऊंगा। राम जी ने कहा अब कौन बाकी है, बोला देखो सरकार आपके लिए हम अपने घाट का नियम नहीं तोड़ सकते हैं, जो पहले आया है पहले से खड़ा है, हम उसको पहले पार करेंगे। राम जी ने कहा कौन पहले से खड़ा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। केवट जी ने कहा आपको दिख गए होते तो पार ना लग गए होते, आपको दिखे नहीं इसीलिए तो अटके पड़े हैं। राम जी ने कहा कौन, बोला हमारे दादा परदादा, देखो सब निहार रहे हैं ऊपर से, इनको भी पार होना है तो पहले इनको पार करूंगा, इनके बाद आपको पार करूंगा, इनके लिए एक बार और धोऊंगा।
फिर चरण धोया, उसी चरणामृत से पितरों का तर्पण किया। मैंने आपसे शायद कहा है कि नहीं, मुझे स्मरण नहीं, पर भैया किसी कुल में अगर एक भक्त हो जाए तो वो अपनी 21 पीढ़ी को तार देता है, 10 पीछे की, 10 आने वाली और एक वो पीढ़ी जिसमें उसका जन्म हुआ है। केवट जी ने सबका उद्धार कर दिया। अब राम जी से कहा, आइए सरकार, नैया में बिराजिए। नैया में बिठाया है राघव जी को। अब गंगा माँ इतने वेग में है कि आज जगदीश के चरण पड़े हैं मुझ पर, आनंद से भरे हैं गंगा मैया, लहरें लेने लगी। केवट जी को लगा अगर गंगा मैया ऐसे ही तेज तेज बहती रही तो जो नैया हम आधा घंटा बाद उस पार पहुंचाएंगे वो तो 5 मिनट में पार चली जाएगी। केवट जी कहते हैं गंगा मैया से, हे माँ, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे
राघव जी उतरे, श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया के सहित। अब केवट जी ने नैया को बांधा और तुरंत भगवान के चरणों में लंबे होकर लेट गए, दंडवत किया। आप किसी से मिलते हैं तभी ना दंडवत करते हैं, केवट जी ने आखिरी में दंडवत किया। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह, वहां पे दंडवत व्यवहार कर रहे थे, आज दंडवत कर रहे हो। केवट जी ने कहा, सरकार, अगर मैं वहां प्रणाम कर लेता तो फिर जो राम जी कहते वो मुझे मानना पड़ता, इसीलिए मैंने अपनी वाली सारी बात मनवाने के बाद प्रणाम किया है। अब राम जी के मन में संकोच है, इसने पार किया, मैंने कुछ नहीं दिया, क्या दूं। माँ ने प्रभु के मन की बात जानी और मुद्रिका उतार कर हाथ में ली। राघव जी ने कहा, केवट, तुम्हारी मैया उतराई दे रही हैं, ले लो। केवट हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए केवट जी के। अभी तक जो मुस्कुरा रहे थे और सरकार को मुस्कुरा रहे थे, आज केवट जी के नेत्रों में अश्रु। क्यों? केवट जी कहते हैं, सरकार, कुछ नहीं पाया होता तो जरूर ले लेता, नाथ आज मैं काह न पावा। सब तो मिल गया, क्या पाने के लिए और मैं कुछ लूं आपसे। केवट जी से राघव जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ तो उतराई में ले लो। केवट ने कहा, नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो लौटते समय आप मुझे जो उतराई देंगे वो मैं अवश्य प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। मतलब केवट जी ने पक्का करा लिया कि प्रभु जब लौट के आना तो भी मुझसे मिले बिना नहीं जाना। केवट ने कहा, सरकार, अगर कुछ देना है तो एक कृपा करो, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो, मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना, गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी ने कहा, सरकार, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार किया, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझे पार कर देना।